एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ। होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरी सारी वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक भी कर दिया करिए एंड कमेंट करके भी मुझे बताया करिए। और अगर आपने अभी तक तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज़ जैसे कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ रोज़ अपलोड करती हूँ, तो कुछ शॉपिंग हॉल्स के होते हैं, कुछ आपके डेंटल हेल्थ एंड केयर के लिए होते हैं क्योंकि आई एम अ डेंटिस्ट, और कुछ मैं थोड़ा बहुत पोएट्रीज वगैरह भी लिखती हूँ तो उनको भी मैं आपके लिए रीड करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने सिंग करना भी स्टार्ट किया है। तो गाइज़ ये थोड़ा बहुत मैं एफर्ट दे रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो आज उसी को चलते मैं आपके लिए एक और छोटा सा शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ। ये किचन कंटेनर पर बेस्ड है, अमेजोन से ही मैंने सब सारे चीज़ें शॉप की हैं, तो अभी पूरी चीज़ें नहीं आई हैं मेरे पास, बट रिसेंटली जो चार पांच चीज़ें मेरे पास आई हुई हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये हॉल बनाया है। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। सो गाइस मेरा पहला आइटम है, मैंने अमेजोन से बाय किया है ये ट्रेयो का कंटेनर। ये 22 500 ml लिखा है, 2 to 50 ml लिखा हुआ है और ये मैंने अभी ओपन नहीं किया है, आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है इसका जार और इसकी क्वालिटी सेम जैसे मैंने आपको दिखाई है, बहुत अच्छी है। और बट ये थोड़ा सा वो आप सो कह सकते हैं थोड़ा सा ग्लास का है, तो आपको उसको आराम से पकड़ने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा हैवी है, बस बड़े साइज में है। ये देखिए, ये है इसका कंटेनर ऐसे, और ये मुझे अराउंड पड़ा है 440 का, नो सॉरी ये मेरे को पड़ा है 315 का, तो ये 315 का मुझे ये पड़ा है और इसका प्राइस भी यही है, सेम रेट में मुझे मिला था। बट मैंने ट्राई करने के लिए लिया था कि बड़े साइज़ के इसके कंटेनर्स कैसे हैं, स्टडी हैं कि नहीं है। उसी तरीके से मेरा दूसरा आइटम है, मैंने ये बाय किया है, ये सिग्नोवेयर्स के सारे कंटेनर्स हैं। जो आपको पता है सिग्नोवेयर एयर टाइट कंटेनर्स का बहुत अच्छा ब्रांड है और इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके प्लास्टिक जो है बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने बाय किया है 6.5 लीटर्स का। मैंने अभी सिग्नोवेयर के दो और तीन और ऑर्डर किए हैं, 9 लीटर्स के, 12 लीटर्स के, और जैसे वो आएंगे मैं उसको भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये पहले हम ओपन करते हैं, ये 6.5 लीटर्स का है और ये मुझे 440 का पड़ा है और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, सेम रेट का ही है। और ये देखिए, ये ऐसा आता है, इसमें आप अपने सर्वस वगैरह रख सकते हैं लाइक राइस पल्सेस वगैरह, जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें खरीदते हैं तो वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। प्लस आप इसके अंदर अपने जो पैकेट्स वगैरह, जो मसाले के पैकेट्स, वो बच जाते हैं, जो आप कोई भी चीज़ यूज़ करो लाइक नमकीन बिस्किट के पैकेट जो खुल जाते हैं, आप उसको भी इसमें पैक करके रख सकते हो बिकॉज ये एयरटाइट कंटेनर है, इसमें एयर पास नहीं होगी। और ये लुक वाइज ऐसा है, ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है, अंदर स्पेस बहुत अच्छी है और ये इसका ऊपर का लिड होता है, ये एयर टाइट रहता है, ये आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, ऐसे ये ऐसे बंद हो जाएगा। और मैंने तो उसको अपनी पल्सेस रखने के लिए लिया है, अपनी अरहर दाल वगैरह, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं, फिर उसको छोटे बॉक्सेस में रख के पैकेट्स को अलग रखने से कोई यूज़ नहीं होता, वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बाय किया हुआ था। बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इसके और प्रोडक्ट्स भी बाय किए हैं। मेरा नेक्स्ट आइटम है अमेजोन का, सेम ग्लास कंटेनर ही है, ये 3.5 लीटर्स का है और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्टडी है ये, तो इसको मुझे खोलने, मैंने अभी खोला नहीं है, आपके सामने ही ओपन करूँगा, सॉरी। ये ऐसे कुछ कंटेनर्स में पैकिंग आई है, पैकिंग इनकी बहुत अच्छे से करके दी हुई है ताकि ये टूटे नहीं। और ये कुछ ऐसा कंटेनर है, ये देखिए आप, ये ऐसा आता है और ये 3.5 लीटर का जैसे मैंने आपको बताया, और ये अराउंड मुझे 500 to 600 का है, मुझे रेट नहीं आते, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं साइड में लिंक आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारे जो रेट्स होते हैं, मैंने जिस टाइम पे बाय किया है वो अलग होता है, वो जब आप देखने जाते हो तो उसका रेट चेंज हो जाते हैं, कभी डिक्रीज हो कभी इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी तो आप लिंक को देख के इसका रेट चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको आसानी होगी ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स अपने रेट में चेक करें। तो ये है कुछ ऐसा, ये राउंड शेप में है, सिलेंड्रिकल हल्का सा शेप है और इसके ऊपर की केप सेम ट्रायो बेस में है, जैसे आपका ट्रायो मिल्टन के कंटेनर्स होते हैं उसी का ही है। इसको भी आपको संभाल के पकड़ने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये भी बहुत स्टडी है और इसको बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है ये,
तो कांच के प्रोडक्ट्स आपको वैसे भी पता है, ग्लास के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। सो माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वुडन स्पैचुलास, ये हैं वन सर्व, इसमें सारे सर्विंग भी हैं और आपके यूज़ के लिए भी हैं। आप इसको ये देखिए, ये सारे हैं, मैंने अभी इनको बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है और मैंने अभी ओपन ही किए हैं ये, और पता नहीं यूज़ करने के बाद ये कैसे होते हैं। बट मेरे नॉन स्टिक कुकर्स मैंने आपको जैसे अपने हॉल्स में शेयर किए थे, तो सारे नॉन स्टिक मैंने बाय किए हैं, तो उस पर आप नॉर्मल स्पैचुलास यूज़ करोगे तो उसमें लाइंस बन जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने वुडन स्पैचुलास बाय किया है और इसको मैं यूज़ करूँगी। होप ये बहुत अच्छे आए हों, क्योंकि इनका रेट भी अच्छा है, अराउंड 399 में मुझे ये सारे पड़े हुए हैं। तो इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और आप इनको बाय भी कर सकते हैं। ये बहुत स्टडी है, ये देखिए इनके वुडन फिनिश भी बहुत अच्छी है, पॉलिश भी बहुत अच्छी आपको दिख रही होगी, और क्वालिटी वाइज भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, और अब यूज़ करने पे मालूम पड़ेगा कि इनका क्या है, सीन कैसा है। सो गाइस माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये भी साफ किचन के लिए मैंने लिया है, ये ऐसे है, आप इसको अपने फ्राइंग चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कुछ हैंड होल्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आप इससे अपना पूरी वगैरह तलते हैं या कुछ भी आप फ्राई पैन में कुछ भी अपना डीप फ्राई कर रहे हो तो उसके लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये मार्केट में भी, लोकल मार्केट में आपको अच्छे रेट में अवेलेबल हैं, बट मैं रिसेंटली इस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था जाने का, तो मैंने अमेजोन पे ही दिखा मुझे, तो मैंने उससे ही बाय कर लिया। अगर आप चाहें तो आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा सस्ते में भी मिल जाएगा, और इसका रेट मुझे याद नहीं, मैं भी आपको अमेजोन का लिंक भेज दूंगी तो आप उस पर देख लीजिएगा। सी मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है यही, ये भी पूरी जो तलते हैं हम लोग उसके लिए, डीप फ्राई चीज़ों के लिए ही है, और ये थोड़ा सा मैंने बड़ी क्वांटिटी का लिया है, बड़े साइज़ का लिया है, क्योंकि मेरे पास छोटे से तो हैं लेकिन थोड़ा सा बड़े नहीं है, जैसे आप लार्ज चीज़ें आप फ्राई करते हो तो उसके लिए ये अच्छा रहता है। तो ये भी आपको मार्केट लोकल शॉप में मिलते ही हैं, ऐसे बर्तन वगैरह के शॉप्स होती हैं, बट मैंने जैसे बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने अमेजोन से ही बाय कर लिया, और अमेजोन पर भी आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो आपका टाइम सेविंग है कि आप मार्केट नहीं जा सकते हो तो आप अमेजोन से बाय। सो गाइस मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है ये वाटर बॉटल्स, ये मैंने पहले ली हुई थी बट मैं आपको दिखाना भूल गई थी, अब तो ठंडी आ गई तो हमें फ्रिज में वाटर बॉटल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं आपको दिखाना चाह रही थी क्योंकि मैंने, जैसे आप लोग कहते हो कि प्लास्टिक के बॉटल्स ख़राब होती हैं, तो सच में ख़राब हो जाती, मैंने कई बॉटल्स यूज़ की थी वो बहुत ख़राब हो गई, बट ये रिसेंटली ये भी सेलो की है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सेलो लिखा है, ये 6 का सेट होता है और मैंने 12 के सेट ऑर्डर्स किए थे एक दूसरी कंपनी के, दूसरी कंपनी के, बट वो 12 सेट जो बॉटल्स थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए। देन ये मेरे पास इतने स्टडी, इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, ये देखिए इसमें शाइन भी आती है और ग्रे फिनिश है और बहुत प्यारे बॉटल्स हैं। ये 6 का सेट था तो ये मैं 4 हो गई, मैं 2 यूज़ कर रही हूँ तो मैंने आपको 4 ही दिखाया, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अराउंड 320 या 340 की मुझे पड़ी है, और ये बहुत अच्छी थी, लुक वाइज से बहुत प्यारी लगती हैं, और आप इसको कोई भी गेस्ट आया तो वहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो, फ्रीज में भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली आपको ये कलर बहुत प्यारा लगता है इसलिए मैंने ये कलर ही बाय किया था। सो गाइज आपको ये मेरा छोटा सा किचन स्टोरेज एंड कंटेनर्स का शॉपिंग हॉल अमेजोन का कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो गाइज मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहूँगी, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, तो फिर हम कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।